बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास दहम। मैं मोहम्मद हसनैन आपसे मुखातिब हूँ। आज आपका पहला लेक्चर था जो कि सॉफ्टवेयर और इस तरह की तकनीकी मामलों की वजह से आप तक नहीं पहुँच सका। अभी मेरा सारा सेटअप और मेरा सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, मेरे पास मुकम्मल मौजूद हैं। तो मैंने ये चाहा है कि मैं आपको पहले एक पैगाम जो है वो आपके इन दिनों में और इन दिनों के हवाले से, इन दिनों की अहमियत से आपको भेज सकूं। तो ये इस सिलसिले में मैं आपको भेज रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग अब छुट्टियों का जो जोश और गलगला और जज्बा है, इससे बाहर निकल, ठीक है, मीम्स बनाना छोड़ दें, स्टेटस लगाना छोड़ दें। फेसबुक के ऊपर आपकी कंपेन को मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप लोग लेके चल रहे हैं कि जी छुट्टियाँ हैं और पता नहीं क्या तमाशा बन गया है। कुछ भी नहीं है ये, आप लोगों को बाय द वे लॉस की तरफ लेके जा रही है चीज़। तो आप इस चीज़ से निकलें जितनी जल्दी हो सकता है। निकलें, आप लोग मीम्स बना रहे हैं, आप लोग स्टेटस लगा रहे हैं और आप लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे आपने को कितनी बड़ी फतह और कामयाबी और कामरानी हासिल कर ली है। और टीचर्स के नाम लिख रहे हैं और प्रिंसिपल के और स्टाफ के नाम लिख रहे हैं, ये प्रिंसिपल का हाल ये हो गया छुट्टियाँ देख के और हमारा हाल ये हो गया। कुछ शर्म होनी चाहिए बंदे के। ये लोग आपके दुश्मन नहीं हैं जो यहाँ पे बैठे हुए, या ये घरों से नहीं निकले हुए आप लोगों के लिए, ये यहाँ पे रहते हो और आप लोग उस सिले में और बदले में क्या दे रहे हैं। इस पूरी की पूरी जो आपकी एक फातिहाना तहरीक है, इससे बाहर निकल आए। कि कोई आपकी फतह नहीं है या कोई आपके दोषों जज्बा दिखाने का कोई मकसद नहीं है इस तरह से, तो बाहर निकलें इस चीज़ से। ये ना समझें कि हम घरों में बैठे तो हमें पता नहीं चल रहा, सब कुछ हम देख रहे हैं। आपकी तरबियत इसलिए नहीं थी कि आप लोग हमें ये दिन दिखाएं। बहरहाल चंद लोगों की वजह से सब लोगों को सुननी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है वो, अब मैंने आपको सुबह भी बता दिया था, मैं अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो वीडियो आगे क्लासेस चलेंगी सारी की सारी, वो आपके जो स्कॉलर का मॉडल पेपर है उसके ज़रिए चलेगी। ठीक है जी, वो आपकी उसके ज़रिए से चलेंगी। आपसे जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको ख़रीद लें। ये इसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर भी देख सकते हैं। आप इसकी स्क्रीन पे तस्वीर देख लें, ये आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं जी। इस पे आप के अब जो लेक्चर्स हैं वो चलेंगे और वो किस तरह से होंगे, मैं यहाँ से आपको जो है वो MCQs करवा दिया करूँगा, वो 5-7 पेपर्स के, और किसी एक पेपर का सब्जेक्टिव आपने सॉल्व करके मुझे भेजना होगा। ये आपका टास्क होगा। बात की अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि 5-7 पेपर्स के जो MCQs क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस मॉडल पेपर से करवा दिया करूँगा वीडियो की सूरत में, और दूसरा आपने मुझे फिर इसका जो है वो भेजना है किसी एक पेपर का, मॉडल पेपर का, वो मैं मेंशन कर दूँगा। वो बेशक ऊपर से देख के लिखे, मुझे इस पे कोई मैं आप पे पाबंदी नहीं लगाता। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है वो बड़े ईमानदार हैं, तो आप बेशक उसको ऊपर से देख के लिखें, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व करके आपने मुझे भेजना होगा। और अगली बात सुन लें, ये आपका टास्क सिर्फ छुट्टियां गुजारने का और वक्त गुजारने का एक ज़रिया नहीं होगा। मैं इसकी अब की बार मैं गौर करूंगा, देखूंगा कौन सा बंदा काम कर रहा है, कौन सा बंदा मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 10th मैं आप लोगों से बड़ा सहर्ड हूँ। मैं आपकी वापसी पर आपके ये मॉडल पेपर्स चेक करूँगा कि किस बंदे ने वो MCQs जो हैं वो यहाँ पे भी सॉल्व किए हैं खुद से या नहीं किए।
थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा आप। आपको अकेडमियों में जा रहे हैं, जिधर मर्जी जाए मेरी तरफ से पढ़े, मैंने जो काम करवाना है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुहतात हो जाएं और मेरी बातों को ज़रा अपने पल्ले बांध लें, वरना आपको कॉलेज आना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा, तो फिर सामना मुश्किल होगा। शुक्रिया जी।